हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक आईएमपी थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 6.6 है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, ये डायरेक्टली आपको इस तरह से भी इन टर्म ऑफ स्टेटमेंट के टर्म में भी पूछ सकते हैं। या तो जो ट्रू प्रूव करना है तो प्रूव करके हम लिखते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज होती है तो गिवन के अंदर लिखेंगे, गिवन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और जो सिमिलर ट्राइंगल होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज के बेस उसके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इक्वल टू एंगल सॉरी C equal to angle R। और दूसरी चीज उसके लिए होती है AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ये दोनों चीज सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, यानी कितना चीज इंफॉर्मेशन गिवन है। कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ड्रॉ पहले ट्राइंगल बना लेते हैं जो गिवन है ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। दो ट्राइंगल गिवन है तो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, या तो ए एम, तो ए एम ले लेते हैं, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं। अब हमारे पास प्रूफ के अंदर, प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेज इंटू हाइट। तो उसकी बेज क्या है, बी सी बेज हाइट क्या है, ए एम है, तो 1/2 बी सी इंटू ए एम, यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी। और दूसरी इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है क्यू आर है, हाइट क्या है पी एन है। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 क्यू आर इंटू पी एम। तो 1/2 कैंसल, बाकी यहाँ पे क्या हुआ, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल इंटू ए एम अपॉन पी एम, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल अब हमें ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन क्यू आर, दोनों को इक्वल बताना है। तो इक्वल कैसे बता सकते हैं, तो इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल पी क्यू पी एन क्यू, तो क्या होगा यहाँ पे एंगल ए एम बी, ए एम बी कितना है 90 डिग्री है, और पी एन क्यू बी कितना है, पी एन क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी और एंगल क्यू दोनों तो गिवन ही है, एंगल बी एंड एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू जो गिवन में है। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी, या तो ए एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन क्यू होगा, तो बाय सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज के बेस क्या होगा, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा,
इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए बी अपॉन, जैसे यहाँ पे ए बी साइड है वैसे यहाँ पे पी क्यू साइड है, और जैसे यहाँ पे हाइट ए एम है वैसे यहाँ पे क्या है पी एम है, तो ए एम अपॉन पी एम। और इसको इक्वेशन नंबर टू कह दो, और गिवन में क्या है गिवन करके लिख दो कि ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसको नंबर इक्वेशन नंबर थ्री कह दो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड सॉरी टू एंड थ्री के बीच फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, इक्वेशन टू एंड थ्री के बीच क्या होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एम। ये सारे इक्वल हो गए, तो इसको अब इक्वेशन वन के साथ फ्रॉम इक्वेशन इसको थ्री फोर कह दो, फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड वन तो क्या है यहाँ पे अलग अलग तरीके से टेक्स्ट बुक के अंदर में जो गिवन है तो क्या है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर यानी कि क्या है ए बी अपॉन पी क्यू है ए बी अपॉन पी क्यू, और एम अपॉन पी एन एम अपॉन पी एन भी क्या है ए बी अपॉन पी क्यू है, तो क्या होगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर होगा। ओके अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं, और सो बाद में यहाँ पे क्या है बी सी अपॉन क्यू आर है ऑलरेडी एक बार गया है एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू भी क्या होगा बी सी अपॉन क्यू आर, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि क्या होगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे दोनों में से आपको एक चीज लिख सकते हो, या तो ये लिखो या तो ये ऊपर वाले लिखो। अब यहाँ पे सो करके सो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये अभी बाकी है वो ये सबका स्क्वायर करना है क्या है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना ए बी अपॉन पी क्यू। अब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्रूफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर भी है। और एक वन मोर थिंग्स यहाँ पे आपको आई एम पी के टर्म में पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा पूछे कि एरिया उसका जो डायगोनल के यानी कि परपेंडिकुलर लाइन से सर का रिलेशन होता है, तो ए एम अपॉन पी एन स्क्वायर भी आपको पूछ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल एरिया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर अल्टीट्यूड। ओके स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर अल्टीट्यूड जितना भी हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।